भारत ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी के तहत अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का ऐलान किया है। दिल्ली में मंगलवार को इंडिया सेंट्रल एशिया की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि काबुल को ये मदद पाकिस्तान के रास्ते नहीं बल्कि ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भेजी जा रही है। आपको बता दें कि भारत और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के बीच मंगलवार को अफगानिस्तान की हालत पर भी चर्चा की गई। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने या किसी तरह की आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसी दौरान ये भी तय हुआ कि अफगानिस्तान की मदद के लिए गेहूँ की खेप ईरान के रास्ते भेजी जाएगी।